हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पिनव्हील समोसा। पिनव्हील समोसा खाने में बिल्कुल समोसे की तरह ही लगता है, लेकिन बनाने में ये समोसे से ज़्यादा आसान है। और अभी सब लोग लॉकडाउन की वजह से घर पे हैं, तो ऐसे में आप इसे बनाकर खा सकते हैं, सभी को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए फिर देर किस बात की, इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कप मैदा ले लिया है। अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच अजवाइन डाल देंगे, इसे हाथों से क्रश करके डालें। आधी छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। अब हम इसमें 4 चम्मच ऑयल डाल देंगे, आप चाहें तो घी का भी यूज कर सकते हैं। ऑयल को अब हमें मैदे में बहुत अच्छे से मिलाना है। आप जितने अच्छे से मिलाएंगे, आपके समोसे उतने ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। आप इसे अच्छे से हाथों से मसल कर मिलाएं, और ये देख सकते हैं अच्छे से मिला लिया, अच्छी सी मुट्ठी बन रही है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सॉफ्ट आटे का डो लगा के तैयार कर लेंगे। आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए, आप नॉर्मल आटा लगा के तैयार करें। आटे को मैंने लगा लिया है, अब हम इसे ढक कर 30 मिनट के लिए रख देंगे, अच्छे से सेट हो जाए। तब तक हम स्टफिंग बना लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने एक पैन रख दिया। अब हम उसमें 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे, 1 हरी मिर्च को बारीक काट के डाल देंगे। आधे मिनट के लिए इसे पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अब यहाँ मैंने जीरा, बड़ी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी और 1 लाल मिर्च को अदरक कूटने वाले में कूट लिया। बस हमें इसे कूटना है, दरदरा कूट के डालें, ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। आधी छोटी चम्मच हल्दी डाल देंगे और आधी छोटी चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वादानुसार डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। मसालों को मैंने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें उबले हुए आलू डाल देंगे। यहाँ मैंने 5 आलू को अच्छी तरीके से मैश कर लिया था। बहुत अच्छे से मैश ना करें, थोड़े आलू को खड़ा खड़ा ही रहने दें, समोसे में ऐसे ही आलू अच्छे लगते हैं। अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब हम स्टफिंग को ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे मिलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, ताकि खाने में अच्छा लगे और मसालों में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और स्टफिंग हमारी बन के तैयार हो गई है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसे ठंडा कर लेंगे। और यहाँ मैंने एक बोल में 1 चम्मच मैदा ले लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसका लिक्विड बना के तैयार कर लेंगे। और ये हमारा लिक्विड बन के तैयार है। अब हम समोसे बना लेते हैं। आटे को भी चेक कर लेते हैं, 30 मिनट हो चुका है। और ये देखिए, आटा अच्छे से सेट हो गया। एक बार हाथों से मसल लेंगे। इससे हम एक बड़ी सी लोई ले लेंगे, हमें इसे रोल करना है, तो आप थोड़ी सी बड़ी लोई लें। अब हम इसे लंबा सा बड़ा सा रोल कर लेंगे। आप इसे थोड़ा पतला ही रोल करें, जितना पतला रहेगा खाने में बहुत अच्छा लगेगा। और ये देख सकते हैं मैंने इसे कितना पतला रोल कर लिया है। अब हम इसके ऊपर स्टफिंग रखेंगे। अब ढेर सारे स्टफिंग रखें। अब हम इसे ऐसे रोल करते जाएंगे। और ये देखिए कितनी आसानी से ये रोल हो गया है। ऐसे ऊपर से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आप अपने हिसाब से थोड़ा सा मोटा या पतला रख सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। इस तरीके से आप समोसे बनाएंगे तो बनाना बहुत ही आसान होता है, झटपट बन के तैयार हो जाता है। और ऐसे एक रोल को उठाएंगे और ऐसे बीच से दबा देंगे, और एक हमारा पिनव्हील समोसा बन के तैयार हो गया। इसी तरीके से हम बाकी सारे समोसे को बना लेंगे। और ये देखिए, मैंने यहाँ सारा समोसा बना के तैयार कर लिया है। देख सकते हैं कितने अच्छे बने हैं। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। इसे फ्राई करने के लिए मैंने पैन में तेल गरम कर लिया है, तेल मीडियम गरम होना चाहिए। अब हम लिक्विड में 1 समोसे को डालेंगे, अच्छी तरीके से डिप कर लेंगे। अब हम इसे निकाल के डायरेक्ट पैन में डालते जाएंगे। इसी तरीके से सारे समोसे को हम पैन में डालते जाएंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर आप फ्राई करें, अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। आप सोचते होंगे कि पैन में चिपकेगा, तो इसका बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें, बिल्कुल भी पैन में नहीं चिपकेगा, बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाता है। और ये देख सकते हैं समोसा कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया। इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अब हम इसे निकाल लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी समोसे बने हैं, देखने में ही बहुत ही क्रिस्पी लग रहे हैं। छन्नी पर निकालें ताकि एक्स्ट्रा तेल पैन में निकल जाए। और ये हमारे बहुत ही अच्छे पिनव्हील समोसे बन के तैयार हो गए हैं। आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा, सभी को बहुत पसंद आएगा। और लॉकडाउन में आप घर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, तो इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिएगा,
और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फ्रेंड्स।